ये देखो ये तो अभी भी सदमे से बाहर नहीं। हेलो क्रेजी फैम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। इतने दिनों बाद इंट्रो देखे बहुत अच्छा लग रहा है। और आज का व्लॉग स्पेशल इसलिए होने वाला है क्योंकि आज का होगा ये बोनस व्लॉग, क्योंकि हम भी मिस कर रहे थे अपनी डेली व्लॉगिंग को, आप लोग भी मिस कर रहे थे। सिंगापुर सीरीज को बहुत ज्यादा प्यार दे रहे, थैंक यू सो मच। और आज ये व्लॉग बड़ा सोच समझ के कि हम चाह रहे थे नवरात्रों से जो जो हम स्पेशल चीज कर रहे हैं उस टाइम हम लोग भी आपको मिस करते हैं। जब हम कुछ स्पेशल करते हैं और नहीं दिखाते ना तो लगता है यार क्रेजी फैम को तो ये दिखानी चाहिए थी, बतानी चाहिए थी। तो बस शुरू करते हैं दिन की शुरुआत और खूब सारा प्यार दीजिएगा, बने रहिए व्लॉग को देखते रहिए, अच्छा लग रहा है ना आप लोगों को भी सुन के। तो बस सना से भी मिलवाते हैं, शौर्य से भी मिलवाते हैं, दादी से भी मिलवाते हैं, तो चलिए बने रहिए और पूरा दिन जो जो करते हैं दिखाते हैं। सना हो चुकी है रेडी, हेलो कर दो क्रेजी फैम को। इतने दिनों बाद हेलो करके व्लॉगिंग करके कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, मैं मिस कर रही थी। मिस कर रही थी, हम सब मिस कर रहे थे। और बताओ कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत बढ़िया रहा, उसमें बहुत मजे आए, बाकी भी बहुत मजे आए, फ्रेंड्स बने, मेमोरीज बनी, एक्सपीरियंस मिला, बहुत मजा आया। अभी कहाँ जा रहे हो? अभी ये जो इसकी पार्टी ड्यू रह गई थी एग्जाम के बाद वाली, तो ये जा रही है और बस बने रहिए व्लॉग को देखते रहिए। तो क्रेजी फैम मिलते हैं आपसे शौर्य के साथ, बाय। आप नहाते आने वाले हैं तो कुछ कुछ अच्छा खाएंगे और वर्क हमने रखने हैं, बट ये कि बहुत कुछ अच्छा जो कुछ कुछ अच्छा नहीं खाने वाले हैं, तो तभी हमें लगा यार हमारी क्रेजी फैम को हेलो करो। क्रेजी फैम को बहुत मिस कर रहे थे, पता है कई बार तो ऐसे लगता था कि मैं कोई चीज शूट कर लेती थी और पता चलता था यार व्लॉग तो हो ही नहीं रहा। मम्मी भी मिस कर रही थी, मम्मी तो ये रही दादी, दादी हेलो करो क्रेजी फैम को हेलो। मम्मी बेचारी थी, जब मैं शॉर्ट्स बनाती थी ना मम्मी उसमें बोलना चाहती थी, मैं कहा मम्मी भी रुक जाओ। तो बस आज भेलपुरी से दिन की शुरुआत करते हैं, और कैसा रहा आपका ट्रिप बताओ? बहुत बढ़िया था, नए नए फ्रेंड्स बने, एक्सपीरियंस मिला, मेमोरीज बनी। और ये रही मुक्ति आंटी, अब इसको आज फिर रोक टोक हो चुकी है कि पानी मत चलाओ, हुए बड़े दिनों से फ्री होके फटाफट भेलपुरी बनाते हैं। और बच्चों के नए सेशन स्टार्ट हो चुके हैं, आपने मिनी ब्लॉग देखे होंगे। तो अब ये हम ना एक्चुअली कुछ प्लान कर रहे हैं कि दो दिन का कंपाइल करके बना दें, यही सोचा है। तो ठीक है, जो मेजर चीजें होंगी ना जैसे गेम्स नहीं खिलाएंगे तो भी, बट हम चाहते थे कि आप हमारी लाइफ का एक पार्ट है, तो आपको यार डेली ब्लॉगिंग से कैसे हटा दें और हम कैसे हट जाएं यार। और ये रहा मैं ब्लॉग में आपके सामने इंडियन मील इतने दिनों बाद, वो भी मील पूरी। ओए होए 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 होए, सना महरूम है इससे अभी, कहीं भी चले जाओ नहीं है, कहीं भी चले जाओ अपने घर जैसा, अपने इंडिया जैसा मील कहीं नहीं है। और इंडिया में भी दिल्ली जैसा खाना मेरे हिसाब से कहीं नहीं है, और हमारे घर जैसा कहीं भी नहीं है, दिल्ली जैसा और हमारे एरिया जैसा यार। और आज बहुत कुछ प्लान है दिखाएंगे आपको, फिर क्रेविंग होने वाली, जो बाहर बच्चे रह रहे हैं ना उनका फिर मैसेज आने वाला कि क्रेविंग होगी। पर बेटा आप हम खाते ना, आप सोचो कि यार एक ये होता है ना कि बंदा मिस करता है, एक अच्छी तरह से मिस करो इंडिया। ऐसे हमने मिस किया, बाहर आके हमने भी बहुत मिस किया इंडिया को। जब खाना खाते थे ना तब याद आती थी इंडिया की, तो चलो खा लेते हैं और मजे लेते हैं। और चाय मिस्ट्री मैन की आती हो, सोने पे सुहागा आ गई है, मस्त सी चाय मिस्ट्री मैन की आपकी चाय, वहाँ तो मिली नहीं खैर। और बस ये चाय, अब मैं सोचू नातों में भी ना कॉफ़ी नहीं पी के कोई चाय पिया करूँगी, बस बहुत बढ़िया चाय है उसके लिए। मिस्ट्री मैन का घर होना जरूरी है, पर कोई नहीं, जब होंगे तब पी लिया करूँगी। शौरू आ चुका है, इसकी पढ़ाई हो चुकी है, इसकी क्लास हो चुकी है, और अब रेडी होके ये लोग जा रहे हैं कहीं स्पेशल जगह। मैं नहीं जाऊंगी, नहीं मैं नहीं जा रही, मेरे को पर ये मेरा बच्चा मुझे बहुत बोल रहा है, पर मैं नहीं जा रही। और ये लोग जाएंगे, एंजॉय करेंगे। मैं अपना अपने को रेडी रख रही हूँ रात के लिए, रात के लिए भी कुछ स्पेशल प्लानिंग है। तो बस मैं दो टाइम ऐसा नहीं कर सकती अपने साथ, ऐसा जुलम ये जो कर सकता है वो जा रहे हैं आज। मतलब बेसिकली बेबीज आउट होता है यहाँ पे, मेन्स आउट है आज, ये लोग आदमी जाएंगे क्या करते हैं वहाँ पे। तो बस मैं घर में क्या खाऊंगी वो भी दिखाऊंगी आपको, और ये जो करेंगे वो भी दिखाएंगे। और सना ने जाना था, वो पहुँच चुकी है, वो क्लिप्स तो बनाती नहीं एज यूजुअल। पूरे रास्ते में जाम था, 2:45 इधर ही हो गए हैं। फैम सक्सेसफुली अवेलेबल है, खुशी देख लो इसके चेहरे पे। अगर आप कभी भी इधर अशोक मीट पे आ रहे हैं, हम गुजरांवाला टाउन आए हैं, इधर इतनी भीड़ रहती है, तो टाइम निकाल के आना। अभी हमको 15 मिनट हो गए बैठे, अभी तक खाना नहीं आया। जाके क्रेजी फैम आपसे जैसी बात करी आ गया है, अनियन और चटनी और वो भी क्रेजी फैम पहले आना, हमारी किस्मत अच्छी है कि इस टाइम पे मिल रहे, वरना खत्म हो जाता है। क्रेजी फैम घी से भरा हुआ, आज जो मेरी डाइट का हाल होने वाला है, बेहाल होने वाला बिल्कुल। अब मैं 2 किलो बढ़ जाएगा आज के दिन,
पतली करारी रोटी बोलती है, वो लोग इधर बैठे होते हैं। मैम इतनी क्रिस्पी रोटी और ये साथ में वो अब ये जाएगा शौर्य के पेट में गर्मा गर्म। तेज बोलिए थोड़ा। ओ भाई क्रेजी फैमिली, यहाँ खा रही हूँ मैं कड़ी राइस और ब्लॉग देखूंगी भारती जी का। चलो देखते हैं और खा लेते हैं और फिर मिलते हैं। एकदम सक्सेसफुली घर आ चुके हैं और नहीं अच्छा लग रहा चाची को कड़ी चावल खाते देखते हुए। बहुत बढ़िया, लेकिन ये अपने टेस्ट की बात होती है, जो चीज अच्छी लगती है उसमें मेरे को कंपैरिजन में। और ये शौर्य पता है उतना उदास है मेरे बिना जा नहीं रहा। हाँ उधर भी कुछ बोला थोड़ी है वो। आ चुकी है सना, कैसा रहा आपका दिन? बढ़िया। थक गए हो? अभी रात को हमने कुछ खाना है, तुझे एक्साइटमेंट ही नहीं होगी क्योंकि सारा दिन तूने गंदा खाया होगा। क्रेजी फैम चल पड़ी है सवारी और अब चलते हैं एक नई जगह पे कुछ खाने और जो क्रेविंग्स हैं अपनी दूर करने। ये देखो बच्चे बड़े एक्साइटेड हैं और इसकी फेस से समझ आ गया होगा हम कहाँ जा रहे हैं। बस दो दिन है हमारे पास, आज और कल जितना खा पाएंगे जितना एक्सप्लोर कर पाएंगे। अच्छा मैदा खाने जा रहे तो आप समझ ही गए होंगे। शोरमा दे चुके और मोमोज मोए मोए हो गए। मिस्ट्री मैन स्पेशली आए थे और सिर्फ दो प्लेट मोमोज है इनके पास, खत्म सारे, आउट ऑफ स्टॉक। होते इतने अच्छे हैं, दो प्लेट मिल पाई है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन कोई बात नहीं, एडजस्ट करेंगे। और अभी पहले रोल वाले पे जाने वाले थे, अगर उस पे जाते तो ये भी नहीं मिलते। और इतने अच्छे थे ना, चल ये है कि ना से तो अच्छा है पर बहुत ही यमी है। और आज बहुत से लोगों को क्रेविंग होने वाली है, बहुत लोगों को, और उस इंस्टा पे DM भी आने वाले उन लोगों का। और कमेंट करना आप लोग की आप लोगों को भी हुई क्रेविंग और आप लोगों ने क्या खाया नवरात्रों से पहले। ओवरऑल थोड़ा ठंडा ही मिल गया क्योंकि एंड का बैच था बिल्कुल, वो भैया भी चले गए थे मोमोज वाले। मिस्ट्री मैन को इन शॉर्ट नहीं मजा आया क्योंकि बिल्कुल गर्म खाते हैं यार, सही में ठंडे हैं थोड़े से मोमोज, पर मुझे ठीक लगे। और मेरी क्रेविंग भी जो थी ना वो दूर हो गई। अब रस्ते में सोचा रोल्स खा लें, आधा रोल खाऊंगी मेरा तो वहां से ही जहां पे दिखाया था सचदेवा फूड कॉर्नर। वो देखो ठंडा भी पिया जा रहा है मस्त, मैं पीऊंगी फुल मस्ती में, लेके तो मैं भी आई हूँ घर से। यस घर से ले आए थे, पिकनिक वाइब आ रही है, बस खा लेते हैं। ये गाय ना यहाँ पे दोनों इतना लड़ी और गाड़ी को इतनी तेज धक्का मारा इन लोगों ने और इतनी हम लोग डर गए, वो भी गए थी और अभी वो रोज लेने गए। ये दोनों हॉर्न्स वाली हॉर्न्स हॉर्न में ऐसे लड़ रही थी और गाड़ी को इतनी बुरी तरह ऐसे लगा कि बहुत जबरदस्त कहीं एक्सीडेंट हुआ है। ये देखो ये तो अभी भी सदमे से बाहर नहीं निकला ना, कुछ नहीं होता बेटा, बता गाड़ी कैसी हिली थी ना, ऐसे होके बिल्कुल टेढ़े हो गए थे। कोई बात नहीं, रोल्स और कुणाल अभी यहाँ पता क्या हुआ है हादसा होते होते रह गया, अभी बताती हूँ। वाली थी ऑलमोस्ट गाड़ी सिस्टम शुरू होता है। अब चाची अब थम्स अप निकलवा रही है बिल्कुल काम के साथ तमीज से, और अब सोच रहे हैं कि कुल्फी फलूदा भी खा ले और मम्मी के लिए भी ले जाए। मैं भूल गए की वेद है सॉसेज है इसके अंदर बहुत बढ़िया। और इसका ना लेट भी इसलिए हो रहा है सैटरडे है अभी तो बहुत ज्यादा, और नवरात्रे भी शुरू होने वाले हैं इसलिए और लोग टूटे हुए हैं। छोरे का हेल्दी वाला जो मैंने पिछली बार लिया था और मैं आ गया हूँ अनहेल्दी पे जो मैंने पिछली बार नहीं लिया था। और आपको बताया था ना ये वापस उसी स्टेज पे आने वाला हूँ, फिर डाइटिंग करेगा, ऐसे ही चलता है। क्रेजी फैम यहाँ पे खाने का एंड होता है, ये स्टैंडर्ड कुल्फी फलूदा बहुत बढ़िया। ये तो पूरा वो वीडियो ही रिपीट हो गई सेम, लेकिन आज का एक्सपीरियंस काफी अच्छा नहीं था क्रेजी फैम। मिस्ट्री मैन को तो कुछ नहीं मिला यार, अगर आज लगा था ये भी जगह नहीं मिलती ना। और सैटरडे है यार, रश बहुत ज्यादा है हर जगह लग रहा है यार, हर फैमिली निकली हुई है खाने के लिए, तो बस खाते हैं। और ये तो बहुत बढ़िया है, इस चीज की वजह से अच्छी एंडिंग हो रही है, इसने सेव कर लिया पूरे दिन को। The next morning. दिन शुरू हो चुका है और बच्चे अभी अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और आज जो जो करेंगे ना आपको दिखाएंगे जरूर क्योंकि आप लोग मिस कर रहे थे। तो बस आज क्या करेंगे, आज दोपहर के लिए मिस्ट्री मैंने को सोचा बच्चों के दोपहर के लिए और रात के लिए भी क्योंकि आज लास्ट डे है, बच्चों को कुछ अच्छा अच्छा खिला देते हैं और छुट्टी का भी दिन है यार, आगे बड़ी क्लासेस हो गई, टाइम भी नहीं मिलता बच्चों के पास। तो आज के लिए कुछ सोचा हुआ है, पता नहीं उनको पसंद आएगा नहीं आएगा, तो देखते हैं उनके एक्सप्रेशन दिखाएंगे और रिएक्शन दिखाएंगे कि अच्छा लगता है नहीं लगता, और उनसे वोटिंग लेंगे। तो बस बने रहिए, आप भी प्यार दीजिए खूब सारा ब्लॉग्स को। तो बस दिखाते हैं आपको दोपहर को क्या करते हैं, आज मैं बिल्कुल फ्री हूँ, मुझे कुछ नहीं करना, आज मेरी भी छुट्टी का दिन है। क्रेजी फैम निकलना शुरू हो चुके हैं,
जा रहे हैं बच्चों को खिलाने गुल्लू पे। गुल्लू मीट वाला है हमारे यहाँ, बहुत पहले हम लोग खाते थे मिस्टी मैनो में। बच्चों ने शायद नहीं खाया। मैं बहुत ज्यादा, मुझे नहीं पसंद, मुझे रीजन क्योंकि ना वो प्लेट व्लेट खाना मुश्किल होता है, बट आज हम घर से सारा सामान लेके आए हैं। देखो ये ट्रेस, ठंडे भी ले आए हैं बस चलते। और ये देखो सोरे चटनी के लिए चाची ने बोला कि ये डोने भी ले गए। हाँ वो ना वो कुछ नहीं देता वो, पर बहुत स्वाद होता है उसका, हो सकता है अब तक खत्म भी ना हो गया। और तो चलते हैं। और मैम ये कल की चीज फिर से रिपीट हो रही है, बंद है दोबारा गुल्लू बंद है और सबकी आंखों पे वो ठंडा निकाल के बैठ गया था मासूम। तो अब क्या करेंगे यार, मोए मोए। हमसे सवाल पूछा गया है कि बिल को डच करना क्या, उसके साथ जाते हो बिल को डच करते हो, बिल को स्प्लिट करते हो, क्या मतलब होता है मुझे एक एक करके बताना। मैं बताऊं नहीं अभी रुक जाओ, सबसे पहले शौर्य। सबसे पहले मैं ही तो मैं क्या है डच मतलब वही स्प्लिट करना बिल। अच्छा मैं वही पूछ रही हूँ कि सेम होता है ना, मेरे हिसाब से सेम होता है। मैं बताऊं बिल डच का मतलब ये होता है कि जो अपने हिसाब से पैसे दे पाओ, स्प्लिट का मतलब होता है इक्वली स्प्लिट करना। मतलब डच मतलब होता है जो मैंने ऑर्डर किया मैं अपने चीज के पैसे दूंगी, स्प्लिट मतलब आधा आधा स्प्लिट पूरा डिवाइड, आप डिवाइड इक्वली कर लो, ये फर्क होता है। अब पता चल गई नहीं चीज, ठीक है अब आपसे आप देख लेना डच करना है स्प्लिट करना है। कुछ पढ़ रही थी तो लोग मोस्टली इसको कैसे सोचते हैं सेम चीज है, सेम चीज अभी तक यही लगता था। हम गाड़ी में बैठे बैठे 2 बज गए, जगह नहीं मिल पा रही है। अब देखते हैं आज क्या खाते हैं। मैम ये है मेन गुल्लूस जो हम जहाँ पे गए थे वो ब्रांच थी, ये मेन है। स्टाइल देख लो इनका कि ये पैकिंग मिलेगी, ये ऐसे ही देखते थे। और अभी तो मिस्टी मैन बता रहे भीड़ नहीं थी, पर नहीं तो खड़े होने की जगह नहीं होती है। तो इसको जो बोल बोला था वो मैंने इसीलिए बोला था ऐसे देते हैं चटनी। और मिस्टी मैन की इसकी चटनी भी बड़ी शानदार है, बहुत बढ़िया चटनी अम्बी की। जिस चीज के लिए इतनी दूर आए स्पेशली, कैसा है शानदार। इसकी तो ग्रेवी है ना, कीमे वाली ग्रेवी है। कई लोग इसको अथॉरिटी वाला मीट भी बोलते हैं, बताना किसको इसने खाया हुआ। दीपा मैम आती है सबीना की बारी। अब देखो अच्छे से, अब ग्रेवी चाची बता रही इसकी ग्रेवी बच जाती तो इसकी वो बनाते थे बिरयानी कीमे वाली। सना देगी टेस्ट टेस्ट क्योंकि ये थोड़ी चूजी है। शौर्य को चटनी खोलने में शौर्य बहुत टाइम लगा रहा है। नाइस। इसके सिर्फ एक चीज है कि प्लेट्स कुछ ये ड्रॉबैक है बस, बाकी सब चीजें तो अच्छी हैं। सिर्फ हम अब किंग की आ रही है जो टेस्ट टेस्ट किंग है हमारे यहाँ के, और ये बिल्कुल तरीके से खाते हैं। अब पूरा 15-20 मिनट लगा चुका है ये सेट करने में अपनी ट्रे। अभी हुई नहीं, अभी जल्दी दिए अभी बस आपके टेस्ट टेस्ट के लिए थोड़ा खा रहा है। ग्रेवी फैम आने में 1.5-2 घंटे लगे, खाने में मात्र 10-12 मिनट में वापसी भी हो चुकी है। और लगा नहीं था मेरे को कि मिल जाएगा, पर जिस चीज को चाहो मिल ही जाती है। किसी चीज को चुपचाप हम लोग कितने बोलते गए ये खा लेते हैं, इसी में चुपचाप चलाते हैं। और हम मात्र 15 मिनट में हम कुल्फी फलूदा लेने पहुँच जाएंगे। फैम ये बीच में रुकवा दिए गए सना द्वारा। एक चटोरा है, एक मिठोरा है, एक मिठोरा बाहर है, एक मिठोरा बाहर है। और ये देखो अभी क्या निकलेगा इस डब्बे के अंदर। अगर आपने भी अगर आपने भी इस फेमस जगह से खाया चौधरी स्वीट कॉर्नर से शक्ति नगर में तो बताइए। क्रेजी फैम रिवीलिंग, ये है बीकानेरी बर्फी। और ये कल के अंदर खत्म करनी है, हो गई। और ये सना तो वैसे ये सना के हिसाब से ही मंगाई है बस 250 ग्राम। नगर के फेमस भल्ले तो नहीं, लेकिन साथ में फेमस कुल्फी खाई जा रही है। ऐसी बेस्ट कुल्फी कहीं की नहीं मिलेगी आपको। क्रेजी फैम स्टिक कुल्फी, मैं तो स्मार्ट क्यों लग रहा हूँ। है चुप गया आप। शौर्य ने लिया कुल्फी फलूदा और वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। शौर्य स्टिक कुल्फी अच्छी है। बस मैं बच्चों को यही बोल रही थी, मैंने कहा घर जाके ना आप सो जाना है क्योंकि सुबह से बहुत मेहनत हो रही है, बहुत थक गए हैं। और फिर सो के उठेंगे, फिर देखते हैं फ्रेश कोई नई तैयारी, कुछ नया प्लान बनाते हैं। ठीक है बच्चों, खाना भी डाइजेस्ट नहीं है, रात से बात कर रही है शाम वो कौन कह रही, सना कह रही रात को क्या है, ये रही सना थक गई है वो, बस जाके सोते हैं थोड़ी देर। मुझे तो बहुत नींद आई, मैं ना थक जाती हूँ, ये खा के भी थक जाती हूँ। मैंने मीठा खा लिया है 3 महीने बाद और चाची की बहुत अफसोस होती दिख रही है क्या। हाँ ये जब एक बार ये शुरू करता है ना तो फिर नहीं रोक पाता, कोई नहीं रोक सकता इसको। फिर चलो अब इसे रिलैक्स तो हो रहा है, मैं जिम जाने वाला हूँ 1 घंटे बाद। थोड़ी देर सो गई थी आने के बाद, और सना उधर गाना गा रही है शायद, तो शौर्य नीचे गया है। और दिखाती हूँ आपको क्या तैयारी कर रही हूँ।
यहाँ पे उबल रहे हैं छोले, कल बनेंगे छोले भटूरे, क्योंकि कल ये देखो छोले ना एक दिन पहले तैयारी करनी पड़ती है, वो आप लोगों को पता ही होगा। यहाँ पे दलिया बन रहा मम्मी के लिए रात के लिए, अरे मुक्ति सुबह से नहीं मिली, हेलो कर दो। और ये रही मम्मी, मम्मी हेलो कर दो, मम्मी लेट हो गई। अरे मम्मी इतनी देर सोई, 3 घंटे ऐसे नींद इतनी आई मज़ेदार जिंदगी में, सब परेशान है, मेरे को ज़्यादा आती है आपको कम आती है। क्रेजी फैम निकल चुके हैं और फिर चलते हैं एक नई जगह पे, कहाँ चल रहे हैं, मिस्ट्री मैन भी बैठे हुए हैं और कुणाल लेके जा रहा है कहीं, नई जगह तो नहीं है, आप पहुँचेंगे तो आप देख ही लोगे कहाँ पहुँचे। शौरव हैप्पी, इसको बहुत भूख लग गई है, सारा दोपहर का डाइजेस्ट हो चुका है, अब नई जगह चलते हैं, नई जगह तो नहीं है, आप जाएंगे तो आप समझ, और अगर हम दोबारा जा रहे हैं ना, दोबारा तिबारा भी जा रहे हैं तो आप समझ जाएंगे कि कितना अच्छा होगा वहाँ का, जो हम इससे स्टार्ट होता है वो जगह। क्रेजी फैम ये आज रास्ते खाली क्यों है मुझे समझ नहीं आ रहा, बिल्कुल खाली रोड्स हैं, बिल्कुल ट्रैफिक लगा और कोई टाइम ज्यादा नहीं हुआ, टाइम कितना है कुणाल? 8 या तो वहाँ सारे खाने ही पहुँचे हुए कि सारी गाड़ियाँ वहीं पहुँची हुई है, तो रोड पे कुछ नहीं है, रश नहीं है, होप कर रहे हैं, कोई बात नहीं बबलू जा रहे हैं और होप करते हैं कि वहाँ पे खाली मिल जाए और सिटिंग भी मिल जाए, वहाँ तो सिटिंग भी बहुत अच्छी है ना। और शौर्य का अब पूरा हो रहा है जो वो लास्ट एपिसोड में बोल रहा था ट्रिप के बबलू पे खाना है, बबलू पे खाना है इसको ना, हाँ। तब से आए थे तब से बोल रहा था, और आज वैसे भी रीजन यही था कि कुछ दिल कर रहा था सूखा खाने का, ड्राई खाने का, कि बहुत ज्यादा भूख भी नहीं है अभी देख रहा कितनी भूख है बस, और मीठे में सोच लो क्या खाना है, पाव मोमोज मीठे में डेजर्ट की तरह खा लूंगा मैं। क्रेजी फैम सारी गाड़ियां जो नहीं दिख रही थी ना वो सारी यही खड़ी हुई है और इसी के लिए खड़ी हुई है, कहीं कोई जगह नहीं मिल रही, और वहाँ देखो सिटिंग भी देख लो कितने लोग खड़े हैं। क्रेजी फैम फिर बहुत सारी मुसीबतों से ये जूझ के अलग जगह पे आ गए हैं, पर वही बबलू का बबलू ये भी एक और दूसरी हाँ, तो बस यहाँ आप देख लेते हैं, टेस्ट तो क्या सेम ही होता है, और कुणाल ने ड्राइव किया गाड़ी बहुत मिस्ट्री मैन से, इसको हाँ मिस्ट्री मैन ने इसको बहुत सारी गाइडेंस भी मिली, और ये वो लेकिन वो मेरी सबसे ज्यादा तारीफ करती है, तनिष इसका आरपीएम बाकी तेज है बेटा, और यहाँ पे रश कम है ना, यहाँ पे रश कम है तो सारा रश वहाँ इकट्ठा हो गया होगा। क्रेजी फैम यहाँ आ चुकी है इसकी सना के सीख कबाब, कैसे है सनू? हम बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है सामान आने में, मटन टिक्का आ चुका है और खुश दिख रहे होंगे सारे चेहरे आपको, बहुत मजा आ रहा है, पता है वैसे ऐसे जब रश का टाइम होना तो नहीं आना चाहिए, अब पता चल रहा है। मैंने बेटा मैं तो खाती नहीं बच्चे, तुम्हारी शौर्य थोड़ा वो खाने की वजह से उसका दिमाग नहीं चल पा रहा, चाची ने भी खाना शुरू कर दिया है, पर ठंडा है मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मिस्ट्री मैन के लिए मुश्किल है, देखते हैं इनका जो आता है मगज वाला वो अच्छा आता है कि नहीं आता है। करते हैं, टेस्ट तो बहुत अच्छा है पर ठंडा है। दीदी फैम मैं जो चाची करती ठंडी वाली बात मैं वेटर को समझाया था अच्छे से, तो गर्म आया मिस्ट्री मैन और मेरा, तो चल मिस्ट्री मैन का गर्म होना चाहिए था, हमें तो ठंडा ही अच्छा लगता है, हाँ हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जाके आई है टंगड़ी, मतलब शुरुआत में ऑर्डर दिया था, अब जाके बहुत गर्म है, अब वो समझ गए भैया कि गरम गरम खाना चाहिए। क्रेजी फैम रात को आ चुके हैं, इस बार मूवी से नहीं खाना खा के आ गए हैं निरुला, हाँ, और मैं खाऊंगी 21 ला, चाची बहुत जबरदस्ती करती चलो चलो, तो इसलिए सवाल मैंने नहीं बोला, इधर ही सना और शौर्य का दिल था। क्रेजी फैम सना ने लिए दाल फल ब्राउनी, सबका सेम मॉडल जो होता है, बस शौर्य ये कर नहीं लेगा, शौर्य तो अलग ही लेता है इसमें से। आ गए 21 लव और मैंने आज थोड़ा ऑर्डर चेंज लिया एस्प्रेसो फज। चलिए क्रेजी फैम आइसक्रीम खा चुके हैं, आज का दिन बहुत अच्छा रहा, हमें बहुत मजा आया, आपको भी बहुत मजा आया होगा, इतने दिनों बाद हमारी डेली ब्लॉगिंग देख के ऐसे ही प्यार देते रहे, चलिए एंडिंग करें, कल से शाउट आउट देना शुरू करें। Yes.